कलाई साग बनाने की रेसिपी, तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लाल चौलाई साग की रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा आसान है बनाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो साग है, ये गर्मी और ठंडी दोनों में खाई जाती है और बाजार में बहुत ही आसानी से मिलती है। तो हमने यहाँ पे ये साग 2 गड्ढे लिया है। तो अब इसको हम लोग साफ कर लेंगे। तो आपको इसको इस तरह से साफ करना है, ये देखिए। ऐसे ही हम लोग सारा साग साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने साग को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम लोग इसे 6 से 7 पानी से अच्छी तरीके से धुल लेंगे किसी बड़े बर्तन में। इस पे मिट्टी बहुत रहती है ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। तो ये देखिए, हमने साग को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसे हम लोग ऐसे बारीक काट लेते हैं, ये देखिए। तो ऐसे हम लोग सारा साग काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारा साग बारीक काट लिया है। तो अब चलिए इसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है। तो अब गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। आप इस रेसिपी में सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे जो साग का स्वाद है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो अब हम लोग तेल को गर्म होने देंगे। तो हम लोगों को तेल में यहाँ पे डालना है लहसुन, जिसे हमने बारीक काट लिया है, अदरक इसे भी बारीक काट लिया है, हरी मिर्च इसे भी कट कर लिया, और हमने यहाँ पे लिया है 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया और 2 लाल खड़ी मिर्च, जिसे हमने बीच से काट लिया है। यहाँ पे हमने 5 से 6 हरी मिर्च ली है। तेल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम लोग इसमें सारे सूखे तड़के डालेंगे, हल्का से कटने देंगे। अब हम लोग इसमें लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च और अदरक। हम लोग इसे प्याज नहीं डाल रहे हैं, आप प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसे हम लोग 30 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। लहसुन अच्छी से लाल हो जानी चाहिए। तो अब इसे हम लोग डालते हैं ये बारीक कटा हुआ साग, सूखे मसाले, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। भूजते समय गैस का फ्लेम हाई रहेगा। अब इसे हम लोगों ने साग ऐड किया, तो अब कर देंगे गैस का फ्लेम लो। तो अब हम लोग इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और साग कितना कम हो गया है। तो अब हम लोग इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पे 20 मिनट चलाते हुए 5 मिनट तक पका लें। तो 10 मिनट हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको कम डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि साग में नमक ज्यादा हो जाता है। तब हम लोग इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। पानी डालने की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि साग खुद ही पानी छोड़ता है। तो अब हम लोग इसे ढक देंगे लो फ्लेम पे और साग के गलने तक पका लेंगे। कोशिश करिए कि जो साग है उसे आप लो फ्लेम पे ही पकाइए, क्योंकि उससे साग का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है और अच्छे तरीके से जो साग है वो पकता है। 30 से 40 मिनट में हमारा साग तैयार है। गैस का फ्लेम लो था और लो ही फ्लेम पे ये साग अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी चौलाई साग बन के तैयार है, जो देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप इस चौलाई साग को खा सकते हैं, रोटी पराठा जिसके साथ भी आपको इसे खाना है आप खाइए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। और आप एक बार हमारी रेसिपी देख के तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।